हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नेजल पॉलिप मींस जब नाक की हड्डी, नाक के अंदर एक हड्डी होती है, उसकी जो ग्रोथ हो जाती है, वो ओवर ग्रो हो जाता है, लोग कहते हैं आप सर्जरी करा लो, आज उसकी मैं एक बहुत ही बेहतरीन दवा आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप ये दवा लेने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आज की हमारा टॉपिक है नेजल पॉलिप, वन सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन और आपका नेजल पॉलिप गायब। बहुत ही बेहतरीन दवा है ये। नेजल पॉलिप होता क्यों है? जब आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें लगातार इरिटेशन होने लगती है तो वो ग्रोथ कर जाता है, वो जो ग्रोथ होती है उसे ही नेजल पॉलिप कहा जाता है। ये जो ग्रोथ होती है ये होती क्यों है? ड्यू टू इरिटेशन। चाहे आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, आपको कई दिनों से एलर्जी से आपको स्नीजिंग हो रही है, आपका नाक बंद है या नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये कन्वर्ट हो सकती है आपकी पॉलिप्स में। कंजेशन हो, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो, स्टेरॉइड्स यूज हो रहा हो, ये सब भी रीजंस हो सकते हैं इसके होने के। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसकी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी नेजल पॉलिप की। फर्स्ट नंबर पे है लैमना माइनॉर। ये आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। और इसे देना कब है? जब आपकी नाक बिल्कुल बंद लग रही हो, कंटिन्यूस स्नीजिंग हो, नेजल पॉलिप के साथ, मींस नाक में जो ग्रोथ हो जाती है उसके साथ ये सारे सिम्टम्स हो, तो आप ये ले सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन इज सैंग्यूनेरिया। अगर आपका नेजल पॉलिप राइट साइडेड है तो ये मेडिसिन जबरदस्त काम करेगी, बहुत ही रनिंग मेडिसिन है। थर्ड मेडिसिन इज कैल्यूम। ये मेडिसिन आपको देना कब है? जब आपको पॉलिप के साथ साथ पोस्टीरियर नेजल डिस्चार्ज भी हो रहा है, मतलब आपको कंठ से लगता है कि कुछ म्यूकस अंदर की ओर जा रहा है, नेक्स्ट स्नीजिंग और आपके नाक बंद की भी शिकायत है। फोर्थ मेडिसिन का नाम है कैल्केरिया कार्ब। ये उन पेशेंट को दी जाती है जिसमें कोल्ड की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट चिली हो, उसे ठंडक बहुत ज़्यादा लग रही हो, और हर बार जब वो ठंडक उसे लग रही हो उसे नेजल प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे राइनाइटिस हो जाता है, और उसके वजह से उसे पॉलिप हो जा रही है। फिफ्थ मेडिसिन बहुत ही रनिंग है, जिसका नाम है काली बाइक्रोम। इसकी मेन सिम्टम्स है नेजल पॉलिप के साथ साथ इसके जो डिस्चार्ज होते हैं नोज के, वो बहुत ही ज़्यादा थिक एंड स्टिकी होते हैं। इन सिम्टम्स के आधार पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर नेजल पॉलिप्स, और आपका नेजल पॉलिप यूं गायब होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इन मेडिसिन से आपका नेजल पॉलिप बिल्कुल गल जाएगा और आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये मेडिसिन जो है वो कंटिन्यूटी में बनाए रखना है और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक लेते रहना है, लगातार लेते रहना है, और आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक इट।